हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मीटर ब्रिज पढ़ेंगे। मीटर ब्रिज एक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू, किसी कॉइल के अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट में भी करना है, क्लास 12 में एक्सपेरिमेंट्स में, यह इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स में आता है कि अननोन रेसिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे यूजिंग मीटर ब्रिज। तो यह मीटर ब्रिज कैसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से हम किसी कॉइल का या किसी भी मटेरियल का रेसिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। और यह किस प्रिंसिपल पर काम करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। आप सब व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ चुके हैं और व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ही यह काम करता है। पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देखें। कंस्ट्रक्शन कैसा है इसका? सब ये एक वुडन प्लेटफॉर्म है, लकड़ी का बना हुआ प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म पर 1 मीटर लंबा वायर स्ट्रेच करके, कॉन्स्टेंटन का बना हुआ वायर है। फिर से ध्यान में रखिए, इस वायर के मटेरियल का नाम है कॉन्स्टेंटन, या एक तरह का एलॉय होता है। कॉन्स्टेंटन का बना हुआ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर है, जिसको कॉपर स्ट्रिप के मदद से स्ट्रेच करके रखा हुआ है। इसकी लंबाई है 1 मीटर। इसके नीचे एक स्केल लगा हुआ है, मीटर स्केल लगा हुआ है। ये कॉपर स्ट्रिप है, इस कॉपर स्ट्रिप में ये दो गैप है, एक गैप यहाँ है, एक गैप यहाँ है। इन दो गैप में से एक गैप में नोन वैल्यू का रेसिस्टेंस होता है। सपोज कीजिए कि क्यू रेसिस्टेंस जो है यह नोन वैल्यू का है, और पी जो रेसिस्टेंस है यह अननोन वैल्यू का है, जिसका वैल्यू हमको निकालना है, मेजर करना है, डिटरमाइन करना है। तो इसकी बनावट बहुत ही आसान है। यह कॉपर, यह वुडन प्लेटफॉर्म है, और इस वुडन प्लेटफॉर्म पर 1 मीटर लंबा कॉपर स्ट्रिप का वायर स्ट्रेच करके रखा हुआ है। यह यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है और यह कॉपर स्ट्रिप से जुड़ा हुआ है। ये कॉपर स्ट्रिप है, ये दोनों ये देख रहे हैं, ये कॉपर स्ट्रिप है, कॉपर स्ट्रिप, ये भी कॉपर स्ट्रिप हुआ, कॉपर स्ट्रिप, और ये भी कॉपर स्ट्रिप है। कॉपर स्ट्रिप के मदद से जुड़ा हुआ है ताकि कंडक्ट कर सके इलेक्ट्रिसिटी को। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस सर्किट को क्लोज करते हैं। कैसे? ए बी सर्किट से जोड़ देते हैं। एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है, उससे एक एमीटर लगा हुआ है जिससे हम करंट मेजर कर सकते हैं, और एक रियोस्टेट लगा हुआ है जिससे हम वेरिएबल करंट, जो जितना करंट में इच्छा हो उतना करंट हम भेज सकते हैं। एक इसके बीच में एक पॉइंट है ओ, इस पॉइंट से एक वायर निकला हुआ है जिससे कंडक्टर, जिससे गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, और गैल्वेनोमीटर के दूसरे टर्मिनल से एक जॉकी जुड़ा हुआ है। ये जॉकी इस वायर पर स्लाइड कर सकता है। जॉकी क्या होता है, मैंने जब पोटेंशियोमीटर पढ़ाया था उस क्रम में बताया था। तो इस जॉकी को हम कहीं भी रख सकते हैं। अब यह क्या होता है कि यह व्हीटस्टोन ब्रिज के आधार पर काम करता है। सपोज कीजिए कि हम सर्किट से करंट भेजे, तो करंट का कुछ पार्ट इस वायर से होकर फ्लो करेगा और कुछ पार्ट इससे होकर फ्लो करेगा। अब जॉकी जब तक अलग है वायर से, तब तक इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं है, लेकिन जैसे ही जॉकी को हम इस वायर में कहीं कनेक्ट करते हैं, स्पर्श करते हैं, टच कराते हैं, वैसे ही इससे होकर करंट फ्लो करने लगता है, अर्थात यह ब्रिज का काम करता है। मैंने कहा था कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, यह ब्रिज की तरह बिहेव कर रहा है। अब हम क्या करते हैं,
जॉकी को साइड कराकर, बाएं दाएं साइड कराकर हम एक बैलेंसिंग लेंथ ढूंढते हैं। बैलेंसिंग लेंथ ढूंढने का मतलब क्या है कि जब गैल्वेनोमीटर का नीडल जीरो इंडिकेट करे तब हम कहते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर से होकर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है और यह बैलेंस्ड फिट स्टोन ब्रिज की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब इससे होकर कोई करंट नहीं बह रहा है, इसका मतलब है कि पी और क्यू का रेशियो, एजे का जो रेसिस्टेंस है और जेबी का जो रेसिस्टेंस है, उस रेसिस्टेंस के बराबर है। यानी पी बाई क्यू इज इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ पार्ट एजे डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस ऑफ पार्ट जेबी, इस पार्ट के बराबर है। अगर हमको एजे पार्ट का वैल्यू मालूम है, सपोज कीजिए कि यह लेंथ एल है, तो निश्चित रूप से यह 1 मीटर लंबा है तो 1 माइनस एल इसको लिख सकते हैं। अगर हम सेंटीमीटर में लिखें तो 100 सेंटीमीटर माइनस एल लिख सकते हैं। तो यह डिस्टेंस हो गया 1 मीटर माइनस एल, यह डिस्टेंस हुआ। इसका मतलब है कि पी और क्यू का रेशियो जो होगा यह L और 1 मीटर माइनस L के बराबर होगा। अगर सेंटीमीटर में लिखें तो हम लिख सकते हैं L को, अगर सेंटीमीटर में लिखें तो L बाई 100 सेंटीमीटर माइनस L सेंटीमीटर के रेशियो में होगा। हमको L का वैल्यू मालूम है और Q का वैल्यू मालूम है तो हम P का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो आप डिफरेंट करंट को फ्लो कराइए और 5 रीडिंग आप ले लीजिए, और 5 रीडिंग लेने के बाद हमको 5 बार पी का वैल्यू मिलेगा। हो सकता है कि कुछ इंस्ट्रूमेंटल एरर के कारण, कुछ मैनुअल एरर के कारण, कुछ वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण, ऐसा हो सकता है कि पी और क्यू का रेशियो, पी का वैल्यू थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकता है। इसलिए हम 5 रीडिंग लेकर हम उसका एवरेज निकाल सकते हैं। जब और एक्यूरेट वैल्यू अगर आपको निकालना है तो 5 रीडिंग आप ले लीजिए, फिर क्यू और पी को इंटरचेंज कर लीजिए और फिर इसी प्रोसेस को रिवाइज कीजिए, रिपीट कीजिए और आपको पी का वैल्यू निकल जाएगा। इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल से हम अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नोन रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, अब हम एक प्रॉब्लम मीटर ब्रिज पर आधारित बताते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है कि ए बी एक मीटर ब्रिज का वायर है और यह 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा 100 सेंटीमीटर ही लें, हम 40 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। तो यह 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है और यह जुड़ा हुआ है 8 ओम और 12 ओम से, बीच में गैल्वेनोमीटर है। कह रहा है कि हम जॉकी को ए और बी के बीच कहां रखें कि गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन हो। अब जरा सोचिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कि R इज द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो हम यहां से यहां तक का रेसिस्टेंस 40R लिख सकते हैं। और R चूंकि ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए R नहीं भी ले तो कोई बात नहीं। तो हम लिख सकते हैं कि सपोज कीजिए कि यह लेंथ अगर X है तो यह लेंथ क्या हो जाएगा, 40 माइनस X हो जाएगा। यह L है, यह 40 माइनस L हो जाएगा, ठीक है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज होने के लिए 8 ओम और 12 ओम का जो रेशियो है X और 40 माइनस X के बराबर होना चाहिए। बाय द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एट बाई 12 में बी रिटर्न एज एक्स बाई 40 माइनस एक्स। तो एक्स का वैल्यू हम निकाल सकते हैं।
2 by 3 is equal to x by 40 minus x, or 3x is equal to 80 minus 2x, or 5x is equal to 80. So x is equal to 80 by 5. This is 16 centimeter. This is your answer. यानी हम A से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर यदि जॉकी को रखेंगे तब हमें जीरो डिफ्लेक्शन मिलेगा। ऐसा भी हो सकता था कि क्वेश्चन को पूछा जाता कि हमें पहले से मालूम होता कि कितने सेंटीमीटर पर रखा गया है या 16 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, तो इसका मतलब यह 40 माइनस 16 हो जाएगा। ओके, अब यह 40 माइनस 16 हो जाएगा तो कहेगा कि यह इसका वैल्यू अगर स्मॉल आर है या कैपिटल आर है या 12 ओम है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, आर बाय 12 इज इक्वल टू 16 बाय 40 माइनस 16। हमको सब मालूम है तो आर का वैल्यू निकल जाएगा। इस तरह से हम मीटर ब्रिज का कोई प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो आपने इस चैप्टर में अभी तक क्या पढ़ा, हम लोगों ने इस चैप्टर में करंट का मेजरमेंट पढ़ा, मोबिलिटी पढ़ा, ओम्स लॉ पढ़ा, किरचॉफ्स लॉ पढ़ा, डिवीजन ऑफ करंट, पैरेलल सर्किट में करंट को कैसे डिवाइड करेंगे यह पढ़ा, पोटेंशियोमीटर पढ़ा, और पोटेंशियोमीटर से हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना सीखे, और साथ ही साथ हम ईएमएफ, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना सीखे। फिर हम लोगों ने सीआर सीरीज सर्किट पढ़ा। सीआर सर्किट में हम लोगों ने कई तरह के प्रॉब्लम किए, जैसे टाइम कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है उस पर बेस्ट प्रॉब्लम किए। इसके बाद अगर सीआर सर्किट है तो उसमें किसी कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा, इस चार्ज को निकालना सीखे, और इस तरह कुछ प्रॉब्लम्स किए। और इसके बाद मीटर ब्रिज के बाद हम लोगों को एक चीज और पढ़ना रह गया है थोड़ा सा, वह पढ़ना है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी पढ़ेंगे, उस पर प्रॉब्लम करेंगे, और फिर यह चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अगला, इस बाद अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी एक दिन और चलेगा यह चैप्टर, और वह चैप्टर होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। थैंक यू, थैंक यू।